आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 284वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा के मामले में सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। सड़क हादसों में लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लिमटी की लालटेन के 284वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में सरपट भागने वाली सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस तरीके की सड़कें बनाई जा रही हैं जिनमें आपका पेट का पानी भी ना हिले। इसके साथ ही वाहनों की औसत गति में भी इजाफा हुआ है। हिरणों की तरह कुलाचे भरते वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। इनमें न जाने कितने लोग काल कल्पित हो रहे हैं। सड़क हादसों में मरने वालों की जान बचाई जा सकती, ऐसा नहीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता। देखा जाए तो सरकार को और सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी के नाम पर कागजों में तो बहुत सख्त योजनाएं बनाई जाती हैं। जनता की, वाहन चालकों की, वाहन बैठने वालों की जान की सुरक्षा के लिए योजनाएं बहुत उम्दा बनाई जाती हैं, पर जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा की अनदेखी साफ तौर पर दिखाई देती है। सड़कों पर हादसों में जान गंवाने वालों को बचाया जा सकता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी के मानकों की उपेक्षा किसी भी कीमत पर ना की जाए। सरकारों के द्वारा तय किए गए नियमों का ही अगर अक्षरशः पालन करवा दिया जाए तो इन हादसों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा निश्चित दूरी पर सड़कों में निश्चित दूरी पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा NHAI के द्वारा जो रोड सेफ्टी हेल्थ के मामले में दी गई है, Level 1 से Level 5 तक जो यूनिट्स वहां होने चाहिए, ट्रामा केयर यूनिट, एम्बुलेंस आदि अगर वहां पर उपलब्ध हो तो घायलों को, सड़क दुर्घटना में घायलों को फौरी तौर पर चिकित्सकीय मदद मिल सकती है। एक जाना माना मेडिकल जर्नल है द लासेंट के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्रित एक अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में बताया गया कि भारत में सड़क सुरक्षा के मामले में बरती जाने वाली सावधानियों में अगर सुधार किया जाए तो हर साल कम से कम 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। 30,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। इस अध्ययन में यह बात भी निकल कर सामने आई कि भारत में जानलेवा हादसों के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। इसमें से पहला कारण वाहनों की अंधी रफ्तार, अनियंत्रित रफ्तार। दूसरा नशा करके शराब पीकर वाहन चलाना। तीसरा सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना। और चौथा हेलमेट का उपयोग नहीं करना। इस अध्ययन को भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय, राज्यों के परिवहन विभाग, राज्यों के लोक निर्माण विभाग, राज्यों के पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। यह अध्ययन बहुत ही काम का प्रतीत होता है। इसके अनुसार सड़कों पर अंधी रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों की जांच की जाए और उन पर लगाम लगाने के लिए अगर स्पीड गवर्नर का प्रयोग ईमानदारी और सख्ती से आरंभ करवा दिया जाए तो सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद को हिंदुस्तान में 20,000 तक कम किया जा सकता है। 20,000 तक लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही हेलमेट को अनिवार्य करके, वैसे हेलमेट देश में अनिवार्य है, कुछ शहर मेट्रोस को छोड़ दिया जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको छोड़ दिया जाए तो कमोबेश हर जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय या प्रदेश का जो मुख्यालय होता है, प्रदेश की राजधानी होती है, वहाँ पर एक माह, पूरे साल में सिर्फ एक माह जब पुलिस को सालाना अपना लक्ष्य टारगेट पूरा करना होता है तब हेलमेट की चेकिंग होती है। और उसके अलावा बाकी महीनों में हेलमेट को कोई पूछता भी नहीं है और लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं। इस मामले में अगर पूरी ईमानदारी बरत ली जाए, हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाए और सख्ती से अनिवार्य कर दिया जाए तो हर साल 5,663 लोगों की
जान बचाई जा सकती है। इसी तरह सीट बेल्ट के मामले में जागरूकता फैलाई जाए तो हर साल 3,000 से ज़्यादा लोगों को कालकल्वित होने से बचाया जा सकता है। इस सब के बाद अगर इन सब के अलावा नशा करके अर्थात मूलतः शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में क्या होता है सभी जानते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना लोगों का प्यारा शगल बनकर रह गया है। लोग शहरों में आपने देखा होगा आबादी के उस इलाके में जहां पर भीड़ भाड़ कम रहती है, अंधेरा रहता है, वहां लोग कार में अपने खड़े होते हैं और वहां कार ओ बार करते नजर आते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं तो वो बताएंगे कार ओ बार, अर्थात कार में ही वे बार बना लेते हैं। चूँकि कहीं जाना नहीं है, चार लोग कार के अंदर बैठकर अपना वहां पर मदिरा का सेवन करते हैं और उसके बाद नशे में लोग शराब चलाते हैं। लोग सड़कों पर कारोबार अर्थात कार को बार बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लोग कार में शराब पीकर उसके बाद बहकते हुए वाहन चलाते नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम वर्ल्ड लेवल पर सिनेरियो देखें तो वैश्विक स्तर पर वाहन दुर्घटना में कालकल्वित होने वालों की तादाद अगर आप इस पर गौर करें तो हर साल लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं सड़क हादसों में। ये कितने आश्चर्य की बात है। विकसित देशों में, जो विकसित देश हैं उनमें सड़क सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है, पर अविकसित या विकसित हो रहे देशों में सड़क सुरक्षा के मामले में अनदेखी साफ तौर पर दिखाई देती है। इन सारे देशों में 13.5 लाख में से 90% लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर कालकल्वित हो जाते हैं। देश में भूतल परिवहन मंत्रालय के द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सड़कें बहुत ही उम्दा गुणवत्ता की बन रही होंगी, हम नहीं कहते पर बन रही होंगी, पर अनेक जगहों पर इनकी गुणवत्ता के साथ समझौता भी किया जाता है, जिससे दुर्घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं। सड़कों के रख रखाव में ठेकेदार और मैदानी अमले की अनदेखी किए जाने का शिकार और शिकायतें आम हो चुकी हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो 1033-1033 हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है। दरअसल अगर आप किसी जहां की भी शिकायत दर्ज करते हैं 1033 के द्वारा NHAI हेड ऑफिस को ये शिकायत भेजी जाती है। NHAI हेड ऑफिस के द्वारा इस शिकायत को संबंधित जो भी वहां पर फील्ड में मैदानी अधिकारी हैं उन्हें भेज दी जाती है, जो अपनी जाँच खुद करते हैं और खुद को इन परिस्थितियों में क्लीन चिट दे दिया करते हैं। वर्तमान में महंगी और विलासिता वाली तेज रफ्तार भागने वाली गाड़ियां लोगों का शौक बनकर रह गई हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट का उपयोग नहीं करना लोगों का प्यारा शगल बनकर रह गया है, फैशन बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, शराब पीकर वाहन चलाने में तो मानो लोग अपनी शान समझते हैं। इस सब के अलावा नेशनल हाईवे पर निर्धारित दूरियों पर Level 1 से Level 5 तक स्वास्थ्य सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। देश के परिवहन मंत्री अगर अपने संसदीय क्षेत्र का नागपुर संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र का वहां से लगे हुए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ही देख लें तो Level 3 का ट्रामा केयर यूनिट 2010 में बनकर तैयार हो जाना था, पर 2022 में भी वहाँ पर ट्रामा केयर यूनिट बनकर तैयार नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र भला कैसे काम कर पाएगा।
लिम्टी की लालटेन के 284वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिम्टी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे ये प्रसारित होती है। शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। इसके साथ ही कुछ विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिम्टी की लालटेन, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं, ताकि हम जो आप और देखना चाहते हैं वो भी आपको दिखाएं और उसमें सुधार भी कर पाएं। लिम्टी की लालटेन के 284वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिम्टी की लालटेन का 285वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।